इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फैमिली, मैं आपके साथ सिमरन। मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 12,218 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वही 104 लोगों ने इस महामारी के चलते दम तोड़ दिया है। कुछ राहत देने वाली खबर ये है कि करीब 11,000 लोगों ने इस संक्रमण को मात दे दी है और वे स्वस्थ हो गए हैं। वही बढ़ते आंकड़े अब कुल संख्या को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं और 5,00,000 के करीब पहुंचते हुए अब तक 4,85,703 मामले हो गए हैं। वही मौत का आंकड़ा 5,000 पार हो गया है। एक्टिव मामले की बात की जाए तो फिलहाल प्रदेश में 89,363 लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं। वहीं अब तक 3,91,299 लोगों ने कोरोना को पूरी तरह से हरा दिया है। अब 5 जिला अस्पतालों में नवीनतम BPSA तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये प्लांट भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में लगेंगे। हर प्लांट की कीमत 1,60,00,000 रुपए है। इससे प्रति मिनट 300 से 400 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। उन्होंने दावा किया कि MP ऐसा करने वाला देश का सबसे पहला राज्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि PSA तकनीक पर आधारित 8 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भी काम किया जा रहा है। 4 जिलों में PSA प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ फैमिली को। धन्यवाद।